बहुत बार हर तरीके का स्टेज बन चुका है, बहुत एक्टिविटीज की है हमने यहाँ पे, यहाँ कुर्सियाँ लग जाती थी और जब पहले एग्जाम खत्म होते थे तो यहाँ घूमते थे और ये ऊपर जो दिखती है यहाँ से झांक झांक के नीचे देखते थे, ये सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर जाते थे, एक कभी वहाँ पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लगती थी और ऊपर से खड़े होकर पूरे दिन वेला टाइम पास करते थे। ये बस ना एक इंटरफेस होता था आने जाने का, जहाँ से पता लग जाता था कि अगर कॉरिडोर से कौन निकला है तो सारे लोग यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे होते थे एंड वी यूज्ड टू सिट एंड यू नो हैव अ गाला टाइम विद द फ्रेंड्स। ये कुछ लोग यहाँ पौड़ियों पे बैठ जाते थे, वहाँ पौड़ियों पे, इट वाज अ फन टाइम यार। मतलब अभी थोड़ी देर में ऊपर से जाके नीचे दिखाएंगे एंड दैट इज व्हाट इट हाउ यू शुड लुक एट दैट टाइम। अब तो यहाँ स्टेज बन गई है, पहले तो यहाँ कुछ भी करता था, स्टेज शॉप, और मुझे याद है यहाँ पौड़ियों के पीछे ना टक शॉप होती थी और टक शॉप इतनी बार शिफ्ट की ना, मतलब बाई रोड कभी कैंटीन के पीछे, कभी इधर, कभी अलग से बाहर, कभी और बाहर, मतलब हर महीने बाद स्टेशनरी शॉप बदल जाती थी हमारी। चलो आओ ऊपर ऊपर चल के देखते हैं। एपिक रीजन होती है, तो इधर लिखा है स्टूडेंट मेंटरशिप सेल। अब जो मेरे दोस्त देख रहे हैं ना, ये जो सेल है आइकॉनिक सेल, इसमें हमारे इतने इतने इंपॉर्टेंट टीचर्स बैठे हैं ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकता आपको, मतलब मैं बताता हूँ समझने वालों को पता है। मतलब इस रूम की एक टाइम पे दहशत होती थी, मतलब कि अगर कोई बोला ना यार आपको बिल्कुल 16 नंबर रूम में होना है, मतलब भाई की शामत आई है। आई शो के इस रूम अभी भी कुछ लोग बचे हैं जिनके कुछ रजिस्टर बचे हुए हैं और कितना कुछ अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने, बाइकोड इंडेक्स घिसा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कंप्यूटर साइंसेस और इंजीनियरिंग से तो कोई नाता ही नहीं है। एंड द फेमस वाइट बोर्ड्स आर हियर इज दिस एंड मुझे लगता है ये सबसे बदले हैं, मतलब बदलना भी नहीं चाहिए। एंड इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू यू नो स्टडी दिस, दिस टू बी माय फेवरेट सीट व्हिच इज द फ्रंट सीट एंड आई विल शो इट टू यू, आई यूज्ड टू सिट हियर एंड दिस इज माय बैक हियर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, यू नो ऑल माय फ्रेंड्स हु आर डूइंग वंडरफुल वर्क इन देयर करियर्स एंड इन देयर लाइव्स एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ दे आर इन प्रेजेंटली, यू नो दे यूज्ड टू टेक अप ऑल दी सीट्स एंड वी यूज्ड टू एंजॉय। और सामने वाले 217 रूम होता था, अब वहाँ पे अलग सेक्शन पड़ रहा होता था, पीछे 213 रूम नंबर है उसमें अलग पड़ रहा होता था, तो ये कॉमन कोर्टयार्ड में हम लोग सारे मिलते थे। फिर जब समझ में आया कि यहाँ से मुझे पूरे रूम का व्यू नहीं मिल रहा है, तो देन दिस बिकेम माय फेवरेट। अभी देखो यहाँ पे एक कुर्सी रखी है, बाकी कोई कुर्सी नहीं है, और यहाँ से हम लोग पूरी क्लास का एक जायजा लेते थे। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में आए ना, तो ये एसी इधर से पानी टपक रहा होता था, छतों से पानी गिर रहा होता था, बट दोज आर द टाइम्स वी लर्न टू यू नो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी अडैप्टेड एंड दैट इज व्हाट अस फोकस थ्रू ऑल द टाइम, यू नो मेड एवरीबॉडी सो स्ट्रॉन्ग, एंटायर बैच सो यूनिफाइड एंड सो यू नो caring and affectionate for each other, that yes, even if we didn't know each other, distantly we had that kind of an unsaid mutual respect for each other, that's so much beautiful. Oh yeah, इसको तो देख यार nostalgic हो ही जाओगे। अभी भी मुझे doubt है, मुझे लगता है कि ये socket तब ही चलते थे, वो मैं लिख के देता हूँ, 80% आज नहीं चलते होंगे, तो जिसको चलता socket मिल गया उसकी lottery। यहाँ सबको याद होगा buses park होती थी, एक के बाद एक लाइन लगा के, मस्त है। आज तो बुद्धा जी भी पानी दे रहे हैं वहां से, और गेट पे अभी भी स्पॉट खड़ी है, बाहर अंदर आने जाने वालों ने पहरा दे रखा है, मजा आ रहा है एवरी मोमेंट। बहुत कम टाइम के लिए, बहुत सालों बाद आना हुआ है, आई एम ट्राइंग टू यू नो एड एवरीथिंग इन सम लिमिटेड टाइम। जितने लोग मेरी टीम के आ रखे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा मटेरियल दे दूँ इनको कि भैया बना लो, अपने दोस्त भाइयों जितने बाहर हैं उनसे भेज दो।